सहारा इंडिया मामले में 5,000 करोड़ का फैसला हुए गुजरा एक महीना पर कोई भी निवेशक को नहीं मिला पैसा। सहारा इंडिया के क्रेडिट सोसाइटी के निवेशकों के लिए आज से करीब एक महीने पहले सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में याचिका के मंजूर होने के अब करीब एक माह पूर्ण हो चुका है, जहां पर सहारा से भी खाते सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को कट सरकार को निवेशकों के भुगतान के लिए 5,000 करोड़ मंजूर कर दिए हैं, परंतु आज की तारीख तक सहारा इंडिया के एक भी निवेशक को उसका पेमेंट नहीं मिल सका है। वहीं सहारा इंडिया का निवेशक सेंट्रल रजिस्ट्रार की अथॉरिटी के पास जमकर अपने क्लेम पात्र प्रेषित कर रहे हैं। जुमला साबित हो रही अमित शाह की वाणी। सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसी निवेशकों के जमा धन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सहारा सेवी खाते से प्राप्त हुई 5,000 करोड़ की राशि निवेशकों के रिफंड के लिए जारी कर दी है, परंतु निवेशकों को उनकी राशि आज तक की तिथि तक नहीं मिल सकी है। वहीं सहारा इंडिया के पीड़ित इन्वेस्टर्स में इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखा जा रहा है। इसको देखते हुए अब निवेशकों ने कहा कि कहीं सरकार निवेशकों के साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही है। वहीं निवेशकों ने सरकार को चेतावनी देते हुए इस साफ तरीके से जाहिर कर दिया है कि अगर 2023 तक सहारा इंडिया की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों का भुगतान नहीं होता है तो आगामी चुनाव में मोदी सरकार को मतदान नहीं किया जाएगा। सुब्रता रॉय, सहारा की गिरफ्तारी कब होगी? सहारा इंडिया के पीड़ित निवेशकों ने सहारा इंडिया के लोकल ऑफिस में जाकर अपना पैसा जमा किया था, तो कानूनी रूप से तो देखा जाए तो भुगतान सहारा इंडिया के ऑफिसों से निवेशकों तक पहुंचाया जाना चाहिए, परंतु इस बात पर भी सरकार बिल्कुल चुप है। वहीं सरकार की तरफ से अभी तक सहारा इंडिया के भुगतान से जुड़े रोड मैप पर भी कुछ स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। इसी के साथ सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय, सहारा पर देश के विभिन्न कोनों में FIR दर्ज है, परंतु सुब्रत रॉय की गिरफ्तारी क्या कोई भी लोकल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट सुब्रत रॉय पर कानूनी शिकंजा कसने में नाकाम रहा है? ऐसी स्थिति को देखते हुए ये साफ तरीके से दिखाई दे रहा है कि क्या कोर्ट और क्या सरकार सभी की कहीं ना कहीं मिली भगत है। ऐसे में निवेशकों के साथ इंसाफ होते हुए बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। CRCS के दफ्तर में रोजाना पहुँच रही लाखों शिकायत। सहारा इंडिया से जुड़े मनी रिफंड पर माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अपनी चुनावी रैली से कहा था कि सहारा के पीड़ित निवेशक अगर अपना पैसा क्लेम लेना चाहते हैं तो वो सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास अपना आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। इसके बाद लगातार निवेशक सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास अपनी शिकायत प्रेषित कर रहे हैं, परंतु एक महीना होने को आया है और आज तक एक भी निवेशक को उसका पैसा वापस नहीं मिल सका है, जिसको देखते हुए निवेशकों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि कब तक सरकार निवेशकों से जुड़ा भुगतान का रोडमैप तैयार करती है और कब तक निवेशकों के बैंक खातों में उनका जीवन भर का जुड़ा पैसा पहुंच सकता है।